करना होता है ना तो उन्हें हकाल कर कॉर्नर कर देते हैं और उसके बाद उन्हें गोली से मार दिया जाता है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कॉर्नर हो गए? अच्छा तो आपने इन्फॉर्म किया है पुलिस को? क्या कर लिया आपने इन्फॉर्म करके? पकड़ा तो कोई नहीं गया? एक आदमी पकड़ा गया है, हाँ, उसके अलावा हम किसी को नहीं पकड़ सके और तुम भी पकड़ में नहीं आए। देखो अर्जु, गोडाउन मेरा नहीं है। मुझे मालूम। देखो आरजू, मैंने पैसा जरूर कमाया है लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अच्छा, लॉटरी निकल आई तुम्हारी या तुम्हारे घोड़े रेस में जीत गए? इस देश में यही दो इल्लीगल काम है जो लीगली होते हैं। ऐसी बात नहीं है आरजू, मैं ब्रोकरेज का काम किया करता था, एस्टेट एजेंट हो गया था मैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की डील किया करता था, लोगों की मिनिस्ट्रीज में अटके हुए काम सॉल्व किया करता था मैं। इस तरीके से पैसा कमाया मैंने। अच्छा, किस किस के मिनिस्ट्री में रुके हुए काम तुमने करवाए हैं बताओ मुझे। देखो आरजू, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। क्या बात मनवाना चाहते हो तुम? देखो आरजू, जब मैं यहाँ नहीं था तो मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं कहाँ हूँ, और अब अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। मैं जब यहाँ से भागा था तो मेरे पाँव में गोली लगी थी, पुलिस मेरे पीछे थी और मौत मेरे आगे। मैं थक कर एक कोने में बैठ गया। मैंने सोचा कि आखिर किसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, और जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं वो सुख और चैन की नींद सो रहे हैं, और हम लोग मौत की गोद में हैं, उसके लिए मर रहे हैं हम सब लोग। वो मकरंद पांडे मर चुका है। आज के जमाने के साथ चलने वाला मकरंद पांडे हूं मैं। तो फिर चल क्यों नहीं रहे, भाग क्यों रहे हो मकरंद? हंसो मत अर्जुन, हंसो मत, मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं। मैंने जितना भी पैसा कमाया है वो सब तुम्हारे लिए और तुम्हारे इस काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूं मैं। मकरंद, तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन डोनेशन पे नहीं चलती है। हम लोग अनाथों की तरह सड़क पर कटोरा लेकर नहीं चलते, बल्कि हम तो अनाथालय के पूरे वजूद के ही खिलाफ है। क्यों, कंचन से मदद नहीं लेते थे तुम लोग? तुम मुझसे मदद लेने में क्या प्रॉब्लम? कंचन को अपने आप से कंपेयर मत करो तुम। कंचन हमारा ही हिस्सा थी और उसने हमारी मदद की। मदद का मतलब समझते हो ना तुम? मैं भी तुम्हारा हिस्सा था और हिस्सा हूं। अगर तुम चाहो मैं तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, एक एक करके उन सबों को बंद करवा सकता हूँ। और तुम्हें, तुम्हें कौन अंदर करवाएगा मकरंद पांडे? अगर तुम प्रायश्चित करना चाहते हो, कंचन जैसा बनना चाहते हो, तो तुम्हें भी कंचन की तरह जेल जाना पड़ेगा, तब के ही तुम कुंदन बन पाओगे। गुड बाय मकरंद पांडे, गुड बाय। आजू, आजू। शिट, ये क्या प्रॉब्लम हो गई? तीनों में से कौन पकड़ा गया? चुप हो रहा है, बहुत ऐसी बात मारूंगा, बहुत खाने देंगे।
Yes, come in. किस तरह का होटल है ये? एक पैक को लाने में दोनों घंटे लग जाते हैं आप लोगों को. सॉरी सर. सॉरी के बच्चे. बना एक पैक मेरे लिए. किसके लिए काम करते हो? जी मैं समझा ना. किसके लिए काम करते हो तुम? होटल के लिए सर. दो चाटे मारूंगा तो साफ साफ बोलने लगोगे कि किसके लिए काम करते हो. आ चुके आप इसने इतना घूर घूर के क्यों देखे थे? जी वो क्या था, आपने ज्यादा शराब पी ली थी इसलिए मैं डर रहा था सर कि आप कहीं गिर नहीं जाओ सर. इसके लिए देख रहा सर. ये बात थी जी. जब तक मैं नहीं बुलाऊं तब तक इस कमरे में बताना समझा? शराब पियो और आराम से सो. जिस काम के लिए मैंने अपने इतने रिलायबल लोगों को पैसे दिए और कैसे? डॉक्टर मैंने तो ऐसी किसी जगह नहीं मारा जहां मौत होने के चांसेस हो. नहीं नहीं, मौत किसी चोट की वजह से नहीं बल्कि जहर देने से, जिसका असर बहुत ही जल्दी हुआ है. इसका मतलब जहर किसी इंजेक्शन वगैरह से दिया गया है और क्योंकि मौत आधा घंटा पहले हुई है जाहिर है जहर भी किसी उसी समय दिया गया है. इसका मतलब यहां नहीं इसी जगह या आसपास खूनी मौजूद है. हॉस्पिटल में कौन हो सकता है? वही तो जानना है. यस यस यस. मुबारक हो मकरन साहब. आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो. ये लीजिए नोटों की गड्डियां और खुश रहिए. मगर सर आपको ऐसे गोडाउन में जाना ही नहीं चाहिए था. नहीं जाऊंगा कभी नहीं जाऊंगा मैं. नहीं मालूम डॉक्टर अभी बच्चे हो तो पकड़े जाने पर क्या होता है. इतनी पिटाई होती है, इतनी पिटाई होती है कि आदमी अपना नाम तक भूल जाता है. सच को कौन मानेगा? मैं पता लगाऊंगी असली कातिल का. तुम फिक्र मत करो. इतना आसान नहीं है अर्जू. नहीं जाऊंगा जेल में. मैं नहीं जाऊंगा. पुलिस के हाथों पकड़ा नहीं जाऊंगा. उससे पहले तो मैं मर जाऊंगा. उसके हाथों पकड़ा नहीं जाऊंगा. कैसा लग रहा है ये अखबार का पहला पन्ना? गुड गुड रियली वेरी गुड. ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना पूरा हो रहा है. इस दिन का हमें कब से इंतजार था. जंग बहादुर साहब अगर इसे देखते तो कितने खुश होते. किंजन भी बहुत खुश होती. वो इजहार नहीं करती. वो चेहरे पे एक रिस्पॉन्सिबल लुक ले आती और कहती कि ओके ये तो ठीक है लेकिन इसके बाद क्या. किंजन ने बहुत बुरे दिन देखे हैं. हाँ, हम सब में सबसे ज्यादा बुरे दिन उसी ने देखे हैं. हॉस्टल के दिनों में जब घर की याद आती थी ना तो हम सब अपने घरों की बातें करते थे लेकिन वो हमेशा टाल जाती थी. वो किसी और प्रॉब्लम को डिस्कस करने लगती थी ताकि हमारा ध्यान उस तरफ चला जाए. जिंदगी बहुत अजीब चीज है. आदमी के पास जो चीज होती नहीं
उसे पाने की ख्वाहिश में उसमें कहीं एक कॉम्प्लेक्स पैदा कर देती है। इस वक्त मुझे अपने एडिटर चतुर्वेदी याद आ रहे हैं। पता है मुझे पहला जॉब उन्होंने ही दिया था। गोविंद उस असाइनमेंट के बहुत हलाफ था लेकिन मैंने ही बहुत जोर दिया। गोविंद की जिंदगी का आखिरी असाइनमेंट। कई बार सोचती हूँ राजीव कि अगर मैं उसे जोर ना देती तो शायद इस तरह से खो ना देती। जिंदगी में अक्सर ऐसा ही होता है कि अगर ऐसा होता तो वैसा ना होता, वैसा होता तो ऐसा ना होता। दरअसल आदमी के पास जो होता नहीं है वो उसे अच्छा लगता है और जो होता है और दुख पहुंचाता है। खैर तुम आज की सोचो, तुम आज कहां हो? तुम आज वो पेपर निकालने जा रही हो जो तुम्हें उस ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहां तुम्हारी उम्र का आज तक कोई नहीं पहुंचा। नहीं राजीव, मेरी उम्र छोटी नहीं है। इसमें जंग बहादुर, चतुर्वेदी साहब, कंचन, मेरी माँ, गोविंद और न जाने कितने लोगों के कितने साल लगे हुए हैं। अगर इस तरह से जोड़ा जाए तो शायद मैं ओल्डेस्ट लिविंग वूमन होंगी। लेकिन एक बात बताओ आगे कि हम दोनों मिलकर इतने बड़े काम कर पाएंगे? हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम ज्यादा वर्क कर सकते। हाँ राजी, मैं जानती हूँ ये काम बहुत मुश्किल है लेकिन किसी भी सफल काम के लिए शुरू में अकेला ही चलना पड़ता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग मिलते जाएंगे और कारवां बढ़ता जाएगा। अभी कंचन जेल से बाहर आ जाएगी, जेरी पिंटो हमारी बहुत मदद करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि बॉबी एक दिन हमारे लिए बहुत अच्छा सिपाही साबित होगा। सर हम कहना ये चाहते थे कि ये गेम अब बहुत ही डर्टी और स्ट्रीट लेवल की होती जा रही है। खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है सर। जान पर हमले भी हो सकते हैं, आपको या हमको कोर्ट केसेस में भी घसीटा जा सकता है। तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि आप इन सब चीजों के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर मैं ना कह दूं तो? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लड़ाई को इस तरह गली मोहल्ले के लेवल पर लाया जाए। इन कोर्ट केसेस वगैरह से टाइम बहुत वेस्ट होता है और परेशानी भी बहुत होती है। सर फिर तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। हाँ, मेरे ख्याल से तुम इन लड़ाई झगड़ों में मत पड़ो। एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट करो, एक ऐसी कैंपेन तैयार करो कि रिचफील्ड्स खत्म हो जाए एकदम। देखिए सर, कत्ल के बगैर कत्ल हो नहीं सकता और हम लोगों ने जो किलिंग पॉलिसी अपना रखी है वो ये है कि उससे RFT कंपनी भी खत्म हो जाए और हमें मिल जाए एक डिजायर्ड स्टार्ट। जैसा कि गौतम का कहना है, उसने अपनी स्ट्रैटेजी इस तरह बना रखी है कि जब शोले भड़के तो आप तक कोई आंच ना आए। अब हम लोग ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ेंगे, आपके लिए लड़ेंगे लेकिन आपके बिना। लेकिन लड़ोगे जरूर? हाँ सर, हम जरूर लड़ेंगे। आपके लिए ये लड़ाई आपके बिजनेस का हिस्सा हो सकती है लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। हमारी तो सांसों का जरिया है ये लड़ाई, आपके तो सिर्फ पैसे दांव पर लगे हैं। हमारी इज्जत, हमारी आबरू, हमारी प्रेस्टीज सब दांव पर लगी हुई है। हम आपके पास इसलिए आए थे सर क्योंकि हम चाहते थे हर तरफ से हम अपनी हिम्मत बटोर कर अपने पास रखें ताकि जब हम पर हमला हो तो हम किसी तरह की कमी महसूस न करें। आप अगर हमारे साथ होते तो हम थोड़ा और कॉन्फिडेंट महसूस करते, वरना कमजोर हम अब भी नहीं हैं। लड़ेंगे हम अब भी और जीतेंगे हम अब भी। That's the spirit. That's the spirit, my dear. मैं ये देखना चाहता था कि कितनी आग है आप लोगों के सीने में। अरे बेवकूफ, आप क्या सोचते हो कि मैं आप लोगों का साथ नहीं दूं? मैं डर जाऊंगा? अरे इससे कई बड़ी बड़ी लड़ाइयां मैंने लड़ी हैं, इन सब बातों से घबराने वाला मैं नहीं हूं। और हाँ एक बात और, मैं आप लोगों को उठाकर बाहर फूंका देता अगर आप लोग ये कहते कि ठीक है हम ये अटैक छोड़कर सिंपल एडवर्टाइजिंग की पॉलिसी अपना लेते हैं। I'm proud of you, my dear. अब करने दो उन दुश्मनों को जो कुछ भी करते हैं। आइए आइए। So how are you? Very fine. साशा को साथ में नहीं लाए? नहीं, साशा साथ नहीं आई, मैं अकेले आया। ऑफिस से घर जा रहा था, मैंने सोचा तुमसे मिलना चाहिए। बहुत अच्छा। अब बताओ क्या पियोगे? चाय या कुछ ठंडा?
एक्चुअली तुमसे एक बहुत जरूरी बात है। किस बारे में? देवयानी के बारे में। देवयानी? देवयानी के बारे में क्या? नहीं, अभी ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन शायद वो आगे जो करने जा रही है वो खत्म ना हो। क्या अभी? जल्दी बताओ, मेरा दिल घबरा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स नॉट दैट इमीडिएट। तुम्हें याद है तारा, तुमने एक बार मुझसे कहा था कि देवयानी को अपने ऑफिस में बुलाऊं प्रेजेंटेशन के लिए। हाँ, एक्चुअली जब उसे पता चला था तो उसने आसमान सर पे उठा लिया। हो ना हो, उसने प्रेजेंटेशन देने से मना कर दिया है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वो जब प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हो गई तो मैंने एक दिन उसे फोन किया और कहा कि हमारे चेयरमैन साहब हैं मिस्टर पीजे गुप्ता, उनसे एक बार तुम जाके मिलो। यू नो ही इज अ चेयरमैन, इफ यू आर एबल टू कन्विंस हिम then it becomes a whole lot easier for me to give you the job. Na jaane chairman ko kisne ye keh diya ki Devyani ke bare mein koi galat khabar phaila di. Chairman made a pass at. Tara, main kya bolu tum? Badi badi companies mein ye sab to chalta rehta hai. Phir kya hua? Jaldi batao. Phir kya, Devyani insulted the chairman and walked out. Sara ka sara contract chairman ke muh pe de mara. Thank the Lord. उसने ठीक किया, उसे यही करना चाहिए। शायद ठीक किया होता रहा, लेकिन अब जो वो करने जा रही है ना, वो ठीक नहीं है। क्यों? अब क्या कर रही है? देवयानी हमारे राइवल कंपनी ट्रांसवर्ल्ड टी को ज्वाइन करने वाली है। अब मैं तुम्हें ये बात बता दूं, रिचफील्ड्स और ट्रांसवर्ल्ड के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होने वाली है। ये लड़ाई हिंदुस्तान की गलियों गलियों में खेली जाएगी, काफी खतरनाक भी साबित हो सकती है। पर मैं नहीं चाहता कि देवयानी इसमें पार्टिसिपेट करे, इसका हिस्सा बने, जो कुछ हो। क्या देवयानी उम्र के उस नाजुक मोड़ पर खड़ी है जहां उसको पता भी नहीं चलेगा कब किसने कहां उसको कैसे इस्तेमाल किया। पुअर थिंग तारा, शी'ल बी डिस्ट्रॉयड। प्लीज उसे समझाओ। आदि, मेरे अलावा उसे समझाने की कोशिश कोई भी कर सकता है, क्योंकि मेरी बात तो कभी नहीं हुई। मैं उसे जो भी करने को कहूंगी उससे वो उल्टा करेगी, इसलिए मेरे समझाने से तो कोई फायदा नहीं। बल्कि मैं तो सोचती हूँ कि उसे किसी को भी समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो अच्छी तरह जानती है वो क्या कर रही है। देवयानी अपनी उम्र से हमेशा बड़ी हुई है। बस मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि कभी उसके साथ कुछ बुरा ना हो, उस पर कोई आंच ना आए, किसी शैतान का साया उस पर कभी ना आए।